अस्सलामु अलैकुम सामीन, 22 शाबान अल मुअज़्ज़म है, 15 मार्च है। खबर का उन्वान है बाइक टैक्सी वालों के भी अच्छे दिन आ गए हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले दारुल हुकूमत दिल्ली में बाइक टैक्सी को बंद कर दिया गया था। इसी तरह अब दिल्ली में जो NCR का इलाका है नोएडा, उसमें भी बाइक टैक्सी के खिलाफ मुहिम चलाने की सरकार गौर कर रही है। सरकार का कहना यह है कि जिन बाइकों का, मोटरसाइकिलों का आपने निजी हैसियत से नंबर ले रखा है, उनका यूज़ कमर्शियल कामों के लिए नहीं हो सकता है। आप ओला कार की तरह ओला बाइक सर्विस नहीं बना सकते। सामान ढोने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, यानी अगर कमर्शियल सामान है, अपना निजी है फिर कोई बात नहीं, अगर सामान कमर्शियल है यानी रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया, बाइक को नहीं बना जा सकता। अगर आपको ऐसा करना है तो दो काम करने होंगे। एक तो बाइक का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल कराना होगा, इस तरह नंबर कमर्शियल हो जाएगा, निजी नंबर नहीं रहेगा। दूसरे ये कि बाइक पर पीले रंग की नंबर प्लेट लगानी होगी। जो नंबर प्लेट अब लग रही है उसे छोड़कर वो पीले रंग की लगानी होगी, तब ये होगा कि आपकी जो बाइक है वो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए है। अब फ़र्क क्या होगा? आपको पता है कि फ़िलहाल जो रोड टैक्स निजी बाइक को देना पड़ता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन जब ये कमर्शियल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और पीले रंग की प्लेट लग जाएगी तो आपका रोड टैक्स बहुत बढ़ जाएगा। आपकी आमदनी हो या ना हो, सरकार को इससे कोई बहस नहीं है, रोड टैक्स आपका बढ़ जाएगा और इस तरह बाइक टैक्सी वालों के अच्छे दिन आ जाएंगे।